बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान है। मतदान की सारी तैयारी की जा चुकी है और इस समय हम सासाराम में हैं। जो सासाराम विधानसभा है वहां पर सुबह सवेरे से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। हालांकि तैयारियां कल ही मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन सुबह ही 5 बजे ही सारे कर्मचारी यहां पर आ गए थे और सारी तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। रोहतास जिला ये पड़ता है और जो सासाराम ये विधानसभा सीट है, यहाँ से अशोक कुमार जो कि जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है, हालांकि 2015 में वह आरजेडी के टिकट पर यहां से जीते थे। महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने राजेश कुमार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं एलजेपी ने रामेश्वर चौरसिया पर अपनी किस्मत आजमाई है। अगर इस सीट की बात की जाए तो रोहतास जिले की जो सासाराम विधानसभा सीट है, इस पर करीब 2 दशक से बीजेपी और आरजेडी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार जो समीकरण है वो काफी बदले हुए हैं, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते अशोक कुमार ने पार्टी बदल ली है। वो सत्तारूढ़ जेडीयू के खेमे में है। अगर यहाँ की बात की जाए, इस विधानसभा सीट की बात की जाए, तो तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के वोट डाला जाना है। और देखिए, तमाम लोग यहाँ पर सुबह सवेरे ही वोट डालने के लिए आ गए हैं। उनसे बात करते ही होते भैया कि सबसे पहले वोट डालने का आपने फैसला किया? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं ही पहले वोट करूँ, इसलिए आया हूँ। जी, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? हाँ, पहली बार वोट देने जा रहे हैं। तो कितना एक्साइटमेंट है, पहली बार आप वोट डालने जा रहे हैं? पहली बार वोट देने जा रहे हैं, लग रहा है कि कोई अच्छा व्यक्ति को चुना जाए तो उसके प्रति। आप भी पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? हाँ सर। तो कितना एक्साइटमेंट है इस चीज को लेकर के? मतलब बढ़िया चीज चुना जाए इसमें, जितना बढ़िया उसे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम वोटर भी है और सारी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आपके जो सासाराम विधानसभा है यहाँ के क्या मुद्दे हैं? पार्टी का नाम मत लीजिएगा, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट होना है? सर, सबसे बड़ी मुद्दा तो शिक्षा है और उसके बाद बेरोजगारी, ये 2 मुद्दा प्रबल है और इसी मुद्दे पर हमें लगता है कि सारे लोग वोट करेंगे। सर, विकास का भी मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा से ही विकास जुड़ा हुआ है सर। शिक्षित लोग होंगे तो विकसित भी होंगे, विकास भी होगा। जी, तो आप देख सकते हैं तमाम मुद्दे हैं, खास करके युवाओं में अच्छा खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से आज पहले चरण का जो मतदान होना है, युवा ज्यादा तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। सारी तैयारियां देख लीजिए, आप यहाँ पर मुकम्मल की जा चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है, कुछ देर में यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। और विकास के अलावा शिक्षा, बेरोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दे को लेकर के वोट पड़ना है। लगभग 59% मतदान पिछली बार यहाँ पर हुआ था और उम्मीद की जा रही है कि जो मतदान है वो इस बार और भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों में एक्साइटमेंट है। इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं और जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है या बिहार का जो तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको तमाम पार्टियों ने छुआ है और तमाम लोगों ने जिस तरीके से पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान तमाम समस्याएं देखी हैं, उन समस्याओं को लेकर के जनता यहां पर वोट करेगी। अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है तो TV9 भारतवर्ष आपसे अपील करता है, अपने घरों से बाहर निकलें और अपना वोट जरूर डालें। कैमरामैन दीपक के साथ उमेश पाठक, TV9 भारतवर्ष, सासाराम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।